अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये है फ्राइडे का दिन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी वीकेंड की कुकिंग रूटीन, जिसमें मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मूली के पराठे और गोभी के पराठे, और डिनर में बन रही है सिंधी बिरयानी। और बस यही दो चीज़ें, तीन चीज़ें वीकेंड पे होती हैं, मतलब मील्स देखें अगर तो सिर्फ दो, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और ब्रेकफास्ट हम लोग जुम्मा की नमाज़ के बाद ही शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली वो लेट होता है हमारा, तो जिस वजह से हमें लंच हम स्किप कर देते हैं और डिनर ही हम करते हैं, तो डिनर ज़रा थोड़ा सा अर्ली हो जाता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन सेम रूटीन फॉलो करते हैं, जुम्मा की नमाज़ की वजह से बाद में नाश्ता बनाते हैं या अर्ली बना के फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो धनिया है और हरी मिर्च है उसको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी, और मैंने मूली जो है वो ग्रेट कर ली है। मूली का जो भी वाटर सारा एक्सेस है वो मैं स्क्वीज़ कर लूँगी, क्योंकि वाटर हमें नहीं रिक्वायर्ड है, इसकी वजह से पराठे फिर अच्छे नहीं बनते हैं। और इसमें मैं आधा जो मिक्सचर है धनिया और मिर्च का वो डाल दूँगी, और बाकी का आधा मैंने डाल दिया है गोभी में। गोभी का मैंने सालन बनाया था एक दिन पहले, तो वो मैंने पराठों में भी ऐड करना है। तो अभी मैंने डाल दी है सॉल्ट और लाल मिर्च, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला दोनों में। सालन में तो ऑलरेडी सॉल्ट और मिर्च थी, इस वजह से और नहीं ऐड की। और ये गोभी मैंने सादी बनाई थी, और गोभी मेरे घर में ज़्यादातर इसलिए बनती है कि अगले दिन उसके पराठे खाने होते हैं, तो कभी भी जब बनेगी तो नॉर्मली थर्सडे को बनती है ताकि फ्राइडे को पराठे खाए जा सकें। और मोस्टली गोभी में मैं आलू या मीट कुछ भी नहीं डालती हूँ, सादी गोभी बनाती हूँ। और मिक्सचर से दोनों हो गए हैं रेडी, और मौसम जो है बेहतर हो गया है, कभी सर्दी हो जाती है कभी नॉर्मल हो जाता है। अभी 2 दिन पहले तक इतनी गर्मी लग रही थी कि स्वेटर्स वगैरह हम लोगों ने पहने छोड़ दिए थे, और अब कल तो ये हाल था सर्दी से कि मैं शहजाद को बोल रही थी कि अब हीटर्स लाने पड़ेंगे नीचे के एरियाज़ के लिए भी। हमारे जो एसी प्री इंस्टॉल्ड हैं, लैंडलॉर्ड ने पहले से ही लगाए हुए थे, लेकिन इसमें हीटिंग ऑप्शन है लेकिन वो ऑन नहीं होता है, तो वो भी हमें पता करना है कि वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा कि अगर कोई कनेक्शन करवाना है जिसकी वजह से एसी हीटिंग भी करे तो वो हम करवा लेंगे, ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू बाइंग अ हीटर, और फिर बच्चे को हर वक्त संभाल के रखना कि वो हीटर को टच ना कर ले। तो देखते हैं हम क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं। और यहाँ पे बन रहे हैं पराठे, और मैं छोटे छोटे दो पेड़े लेती हूँ और फिर उनकी रोटी बना के तो इस तरह से स्टफिंग करती हूँ। कुछ लोग एक ही पेड़े में स्टफिंग कर लेते हैं, तो लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये होती है। और यहाँ बैकग्राउंड में आपको जो नज़र आ रहे हैं बच्चे काम करते हुए, वो ये है कि शहजाद जो है वो ग्रिल के कोयले जो है वो सारे खाली कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा बारबेक्यू करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको। और मिशारी को कोई चोट लग गई थी जो वो मेरे से चोट ठीक करवाने आया था। और यहाँ पे अब मिस्टर शजाद जो है वो एज यूजुअल फिर रहे हैं इर्द गिर्द क्योंकि उनको भूख लगी है और वीकेंड बस एक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बचपन में भी इम्पोर्टेंट था अब भी। बचपन में हमें अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता था, और मेरे अब्बू की तो शिफ्ट ड्यूटीज होती थी, कभी वो दिन में गए होते थे कभी वो रात में गए होते थे, तो वीकेंड ही होता था बस, तो अब भी इसी तरह ही है। तो इस तरह से ज़िंदगी गुजरती रहती है। आजकल मैं बहुत होम सिक हुई होती हूँ, मुझे याद आता है कि पहले ऐसे था कि अम्मी खाना बनाती थी, अब्बू गपशप करते थे और हम इर्द गिर्द खेलते रहते थे। अब मैं खाना बनाती हूँ, शहजाद गपशप करते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, तो मैं शायद इतनी नॉस्टैल्जिक इस वजह से भी हो रही हूँ क्योंकि मैं इस साल पाकिस्तान नहीं जा सकी। मैं 2018 में तो गई थी, लेकिन 2019 में हमारा शिफ्टिंग का आ गया था और कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था कि हमें किस मंथ में मूव करना है, और इस वजह से हमारी सारी वेकेशंस इसी भागदौड़ में गुजरी है कि क्या करना है कैसे करना है, और फिर शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मिस कर रही हूँ, और इसलिए आपको आजकल मेरी हर बात में, मेरे
हर चीज़ में आपको पाकिस्तान की ही बातें और पुरानी बातें ही नज़र आएंगी। मेरे व्लॉग चैनल पे भी यही कुछ हो रहा है और मेरे कुकिंग चैनल पे भी यही कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होम सिक हो गई हूँ, फैमिली से नहीं मिल पाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ईयर ही जाऊँगी, क्योंकि समर वेकेशन हैं तो जब बंदा जाए तो ज़रा ज़्यादा रहे, विंटर में तो बस एक डेढ़ हफ्ते की छुट्टी होती है बच्चों को। तो खैर अब मैं लंच की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, प्याज मैंने ग्रेट कर लिए हैं, क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लेकिन हमारे घर में पानी बंद हो गया था, जो हमारा वाटर टैंक है उसमें कुछ मेरा ख्याल है कुछ कचरा आ गया था, जिस वजह से पानी ही बंद हो गया था। तो हमारा अपना पानी जो उसमें था ऑलरेडी टैंक में, वो यूज़ होता गया और फिर नेक्स्ट जो है वो उसमें शिफ्ट नहीं हो सका, जिस वजह से टैंक बिल्कुल खाली हो गया था, तो वो हमें ठीक करवाना पड़ा। और लेकिन तब तक जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं था और ये सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो हम ही आजकल अपनी चाय बड़े शौक से खुद बनाता है, तो ज़रा उसकी भी गपशप सुनते हैं। एक ही दफा भी डाले अपनी मर्जी से और लिटरली मैंने मिक्स किया तो ये कलर आ गया। वाओ नाइस, एक ही गुड। हम ही तो अपनी चाय भी खुद बना लेते हैं ना, क्या। और चूँकि पानी का प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा मैरिनेट करके रख देती हूँ। मैरिनेशन वैसे प्रेफरेबली इस बिरयानी के लिए आप ओवरनाइट करके रखें, एक रात पहले चिकन को आप प्रिपेयर कर लें। यहाँ पे मैंने दो चिकन लिए हैं, उसके साथ मैंने मैरिनेट बनाने के लिए योगर्ट लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट और हल्दी। और इसके साथ जाएगा जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट। ये बस पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें योगर्ट में आप मिक्स कर दें और बस ये मैरिनेट आपका प्रिपेयर हो गया। और इसको आप चिकन पे लगा के ओवरनाइट रख दें। मेरे पास तो पानी की शॉर्टेज थी तो पूरी बिरयानी एंड तक तो बन नहीं सकती थी, लेकिन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। और फिर हमने बर्तन वगैरह, जब पानी आ गया था बर्तन वगैरह वॉश करके हम लोग बाहर चले गए थे, तो आराम से 2-3 घंटे तो इसको मिल गए थे। आप एक चिकन की भी बना सकते हैं, ये दूसरा चिकन तो मैंने एक्स्ट्रा डाला है शहजाद के कहने पे। नॉर्मली ये क्वांटिटी मैं एक चिकन के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्पाइस मिक्स तो वही है, चिकन आपकी मर्ज़ी है एक डाल लें या दो डाल लें। और यहाँ पे मैं बैठी वेट कर रही थी कि किसी तरह से पानी आ जाए। पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और जब कभी पानी ख़त्म हो जाए तो एहसास होता है कि पानी की कमी क्या चीज़ होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। एनीवेज वो जो कचरा वगैरह जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया था और फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर दिए थे, क्योंकि हमने बाहर जाना था और मैं चाहती थी कि जब मैं वापस आऊँ तो किचन क्लीन मिले मुझे, ताकि मेरी कुकिंग आसान हो जाए। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, थोड़ी सी मैंने निकाल ली है बिरयानी की लेयर्स के लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करनी क्योंकि चिकन के साथ भी ये पकेगी तो फिर बिरयानी जो है उसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। इसमें मैंने ऐड किया है तेज़पात और साथ में ये सिनेमन और ये काली इलायची, हरी इलायची और लौंग और ये बादियान का फूल जो कि होता है स्टार एनीस, और ये है काली मिर्च और ज़ीरा। तो ये चीज़ें डाल के भी आपने थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, जब तक कि अच्छी तरह से उनका एरोमा रिलीज़ हो जाए। तो इसमें आप डाल दें जिंजर और गार्लिक पेस्ट, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको प्याज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ब्राउन नहीं करनी है, क्योंकि ये मज़ीद ब्राउन होती जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बिरयानी का कलर जो है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखें, ये आलू बुखारे हैं, ये भी मुझे लूलू से मिले थे और मैंने इनको भी ऐड कर दिया है, 10 आलू बुखारे, और साथ में ये टमाटर मैंने जो चॉप किए हुए थे वो डाल दिए हैं। तो ये जो बेसिक हमारा बिरयानी का मिक्सचर है वो हो गया है तैयार। इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, और
ये इसको हमने इतना अच्छा सा पकाना है कि जो आलू बुखारे हैं उनका भी एक्सट्रैक्ट निकल आए और जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, और जो साबुत मसाला है उसकी ऑलरेडी खुशबू आ रही है, तो कोई भी आपके घर आएगा एकदम से तो वो इजीली बता सकता है कि आपके घर पे बिरयानी पक रही है। यही बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें बिरयानी के लिए चाहिए, और ये सब हमने ऐड कर दिए हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मुझे लगता है पानी ऐड करने से टमाटर ज़रा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने आलू जो है काट के उनके चंक्स बना लिए थे बड़े बड़े से, और उनको मैं फ्राई कर रही हूँ बिरयानी में ऐड करने के लिए। ये देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, सारा मसाला सॉफ्ट हो गया है टमाटर वगैरह, और ये ऑयल रिलीज़ कर दिया इसने ग्रेवी ने, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। एक चीज़ जो मैं स्टार्ट में मेंशन करना भूल गई, जब आपने प्याज ब्राउन करने हैं तो उतना सही ऑयल डालिएगा जितना आपको बिरयानी के लिए चाहिए, उसी ऑयल में हम ये सारा कुक करें। एक्स्ट्रा ऑयल डालेंगे तो प्याज में से आपको निकालना मुश्किल हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये सारा चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था। चिकन के साथ ही इसमें हरी मिर्च आएगी, और फिर इकट्ठे ही आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान को पानी में नीम गर्म पानी में मिक्स कर लिया, और 5 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी, और जो योगर्ट है उसको मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। ज़ाफ़रान को आप दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। चिकन जो है उसको मैंने ग्रेवी में ऐड किया, और टोटल 2-3 मिनट से हुआ है, सिर्फ ये ऊपर से वाइट हुआ है, कलर चेंज हुआ है इसका, तो मैं इसी टाइम पे इसमें योगर्ट ऐड कर दूंगी और ज़ाफ़रान ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस स्टेज पे अब हमने और फर्दर फिलहाल कुछ नहीं ऐड करना, और आपने चिकन को पूरी तरह से पका लेना है। और बीच में आप इस तरह से चेक कर सकते हैं सॉल्ट और लाल मिर्च, अगर आपको ऐड करने की ज़रूरत है तो आप और ऐड कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है, और ये देखिए चिकन पूरी तरह से रेडी हो गया है, और मैंने इसमें अब ऐड कर दिए हैं आलू जो हमने फ्राई किए थे। बस इसको हमने मिक्स करना है, और इसको फिर आप कवर करके रख दें। एक चीज़ जो मैं खुद करना भूल गई हूँ वो ये है कि इसमें गरम मसाला भी ऐड करना था, तो आप भी वो ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ये राइस जो है राइस कुकर में डाल दिए थे बॉईल होने के लिए, इसके साथ मैंने ये ड्राई जो मसाले होते हैं वो भी मैंने ऐड किए थे। ये सब मैं आपको डिटेल दे दूंगी। और अगर आप पतीली में बॉईल कर रहे हैं तो फिर जिस वक्त आप चिकन बना रहे हैं आप उसी वक्त ही साथ में चावल बॉईल होने के लिए रख सकते हैं। और अब मैं करने लगी हूँ लेयर्स। जब मैं राइस कुकर यूज़ नहीं करती थी तो पतीली में बनाती थी, मैं ये करती थी कि पूरा उनको रेडी कर लेती थी, राइस को बॉईल कर लेती थी कंप्लीटली, यानी 100% डन हो जाते थे, और गरम गरम सालन और राइस होते थे, तो जब लेयर्स करती थी तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स दम देती थी। लेकिन राइस कुकर में मैं ये करती हूँ कि जैसे कि 5 कप चावल हैं तो इसमें मैंने 10 कप पानी की बजाय 5 कप पानी डाला है। तो आप अगर पतीली में बना रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप फुली डन करके उसको बनाएं, या फिर आप 10-20% राइस में कसर छोड़ दें और उसके बाद बिरयानी को लेयर करने के बाद आप दम दे सकते हैं। ये जो ड्राई स्पाइसेस हैं ये सारी मैंने इसमें से निकाल दी हैं क्योंकि ग्रेवी में भी ऑलरेडी हैं, तो ये इसको हम रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा। इस बिरयानी के लिए लेकिन मैं 4 कप राइस यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे खीर बनानी थी तिहामी के लिए, तो मैंने 1 कप एक्स्ट्रा राइस बॉईल कर लिए हैं। और ये जो कप मेजरमेंट है कि आप कोई भी आम कप यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ बेकिंग के लिए प्रॉपर मेजरमेंट यूज़ करती हूँ, वरना वही घर के जिस तरह तौर तरीके होते हैं वही मेरे भी हैं। और अब मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि मेरी बिरयानी की लेयर्स में क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। इसमें मैं ऐड करती हूँ धनिया और पुदीना और लेमन के स्लाइसेस और आलू बुखारे, हरी मिर्चें, और ये जो अदरक है जूलियन कटिंग कर ली थी मैंने इसकी, और साथ में ये जो प्याज थे ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुए, मतलब क्रंची नहीं हुए, क्योंकि मुझे अर्ली इनको निकालना था, लेकिन इसमें ये भी अच्छा टेस्ट देते हैं। सो डबल काम करने की क्या ज़रूरत है कि इसको अलहदा से फ्राई करें उसको अलहदा से करें। और ये येलो फूड कलर है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, पानी में मिक्स कर दिया था मैंने।
अब मैं इसमें इमली का पानी ऐड करूंगी जो कि मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऐड करके देखें, बिरयानी को बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। खट्टी नहीं होगी लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये जो लेमन होते हैं, ये भी आप अक्सर पूछते हैं कि इससे बिरयानी कड़वी नहीं होती, तो नहीं, लेमन अपनी जगह पर पड़े रहते हैं और बस सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो लेमन के छिलके की जो खुशबू होती है ना, वो भी बिरयानी को एक बहुत ही अलग लेवल पर ले जाती है। इस वजह से मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। और ये मैंने इसके ऊपर अब ये डाल दिया है चिकन का सालन जो हमने प्रिपेयर किया था पोटैटोज के साथ, और ये बस ऐड करके, और अब इसकी हम सेकंड लेयर लगा लेंगे सेम प्रोसेस से। हाँ जी ये है हमारी बिरयानी, कैसी लग रही है देखने में? जल्दी जल्दी मिक्स करें, ये पकड़े बहुत ज्यादा है, तो एक साइड से मिक्स करके खाते जाते, बाकी मिक्स करते जाएंगे, है ना? अच्छा ऐसे ना, क्योंकि टूट जाएगी बहुत ज्यादा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये ना बोले कि ज्यादा है वो तो मुझे पता, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, जितनी बने वो ज्यादा नहीं होती आपके हाथ की बिरयानी। पीसेस बताएं कौन से, ये वाले बस मोटे मोटे ना, आप काम पे लगे रहे बस। नहीं नहीं अब राइस तो डाले ना, अब इतना मैंने थैंक यू कह दिया हो तो ये थोड़ी बस करें। जी प्लीज थैंक यू, बस 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 बस। ये लीजिए दिखाएं अपनी बिरयानी। और ये मैंने बनाई है बिरयानी, कल रात से मैं लगा हूँ इसके ऊपर कोशिश करने के लिए, ये सब झूठ है। और फिर मैंने दम लगाने के लिए जो है वो गुड़िया को बोल दिया था, तो बताएं फिर आप, आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे मैंने जो है फॉर्मूला बनाया इसका। ठीक है ये चलिए जी, मैं भी डालूं, टेबलेट डाल के दूं। हाय गुड़िया कसम से। यार एक्सीलेंट यार गुड़िया, मजा आ गया ऐसा वैसा गया गुड़िया। अभी मैं आ रहा था ना तो सामने माउंटेन्स पे धूप छा हुआ है, मैंने कहा आए दरवाजा खोल के सामने बैठे बंदा खाए। अबाया का मसला ना हो इस कंट्री में, तो वो लोकेशन बहुत अच्छी है, पाकिस्तान होता ना ये मजा आता। और इस तरह से मैं लेमन का पल्प निकाल लेती हूँ और उसको राइस के साथ मिक्स करके फिर मैं खाती हूँ, और बहुत मज़ा आता है।
और बहुत अच्छा सा फ्लेवर बनता है। और इसके साथ ही इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच मुझे पिक्चर्स भेजने के लिए और मुझे बताने के लिए कि रेसिपी कैसी बनी और आपके घर में सबने पसंद की। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ, और वो होगी इंशाल्लाह पेरी पेरी चिकन जो मैंने तहमी के लिए बनाया था। और उससे पहले पहले मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ कर लेती हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।